हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में आपको सोयाबीन की सब्जी बना के दिखाऊंगी। बड़े आसान तरीके से आप सोयाबीन की सब्जी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में, चलते हैं अपने कढ़ाई के पास। तो यहाँ कढ़ाई हमने रख दिया है गर्म होने के लिए और उसमें तेल डाल दिया है। सबसे पहले हम सोयाबीन को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमने सोयाबीन को 10 मिनट पहले सोयाबीन को भिगा दिया था और उसका पानी निचोड़ लिया है। सबसे पहले इसको फ्राई कर लेंगे, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए, चलाते हुए हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा हमने सरसों का तेल डाल दिया है, उसमें तड़के के लिए तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा मेथी डाल देंगे, मेथी चटकने देंगे। तो देखिए, मेथी अब ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुने। तो देखिए, हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। अब इन सबको चला के मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे बारीक कुटी हुई थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इन सबको चला के हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो देखिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं, मसाले भी भून चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कटा हुआ आलू डाल देंगे और आधा टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब इन सबको चला के मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, आलू थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। तो हमने 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। आप इसकी ग्रेवी अपने अनुसार रख सकते हैं। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। अब 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हम आपको चला के दिखाते हैं। अब आपको एक आलू कट करके दिखाते हैं। अगर आलू कट हो जाता है तो सब्जी हो चुकी है। तो देखिए, आलू कट हो जा रहा है। अब इसको पलटे से ही मैश कर देंगे, इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, एकदम जैसे उबले आलू की सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से सब्जी ये बन चुकी है। अब इसमें जो हमने फ्राई किया था सोयाबीन वो डाल देंगे। अब इनको चला के मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और इसको पका लेंगे। अगर आप चाहें तो वैसे ही पका सकते हैं या ढक्कन से कवर करके भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन से कवर कर दिया है। तो देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी बन के तैयार है। बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो देखिए, बिल्कुल बनाने में समय नहीं लगा है और बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप ऐसी सब्जी ज़रूर अपने घर पे बनाएं। इसके साथ हमने पूड़िया भी बनाई है, तो हम आपको पूड़िया भी तल के दिखाते हैं। इस सब्जी के साथ पूड़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने उसी कढ़ाई में वापस पूड़ियाँ भी तल ली हैं। तो देखिए, गरम गरम पूड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं। इस सब्जी के साथ पूड़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही पूड़ी सब्जी घर पे बनाएं और नीलम रसोई को कमेंट करके बताएं कि सोयाबीन की सब्जी और पूड़ी कैसी बनी है।
तो हम आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम एक भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।